तो क्या हाल चाल मेरे सिरो, माउंटेन चैलेंज पार्ट टू। तो आज हम सर्वाइव करने वाले माउंटेन में। तो आपको तो जिन लोग नए हैं उनको मैं सबसे पहले तो बता देता हूँ कि मैं एक चैलेंज कर रहा हूँ, माउंटेन चैलेंज। इधर हमारे पास एक हाउस है, सिर्फ हाउस है, उसके अंदर कुछ हमारे पास टूल्स नहीं है। सब हमें इधर सर्वाइव करना है अपना खुद का। इधर 100 डेज के अंदर अंदर हमें ये पूरी की पूरी गेम ख़त्म कर देनी है, एंडर ड्रैगन को मार के पूरी की पूरी गेम एंड कर देनी है। तो हमारा ये है डे टू, तो स्टार्ट करते हैं डे टू को कुछ इस तरीके से। सबसे पहले तो मैं आपको अपने पोलर बियर से मिला देता हूँ। अपना बियर नहीं है, पोलर बियर नहीं है, तो कुछ ऐसा करते हैं। सबसे पहले तो अपने टूल्स इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि टूल्स लेने के बाद हम आगे की तरफ चले जाएंगे, आगे की तरफ सर्वाइव करने के लिए। फिर हम माउंटेन की तरफ नहीं रहेंगे, फिर हम आगे की आगे बढ़ते रहेंगे। आयरन और डायमंड गोल्ड सब इकट्ठा करते रहेंगे। सबसे पहले भी कुछ टूल्स के नाम पर कुछ है ही नहीं, सिर्फ अपने पास खाने के लिए सामान ही है। तो इस घर के अंदर पहले देख लेते हैं कि कुछ हमें सामान मिलता है या नहीं मिलता है। फर्नेस है लेकिन क्राफ्टिंग टेबल नहीं है, तो हमें सबसे पहले तो वुड तो चाहिए होगा। वुड के लिए ऐसा करते हैं, मैं सबसे पहले बाहर जाके कुछ वुड इकट्ठा कर लेता हूँ, इस घर में से इकट्ठा कर लूँगा। इधर तो कुछ है ही नहीं, मतलब पेड़ पौधे तो है ही नहीं, आइस बायोम में तो होती नहीं, तो इधर से ही हम इकट्ठा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि इस वाले घर के यही दो प्लैंक्स उठा लेते हैं, उनसे ही अपना सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं। ये आगे की तरफ जो एक दो है उसको भी ले लेते हैं वुड को। चलो वुड तो इकट्ठा कर ले। अब सबसे पहले तो इसके प्लैंक्स बना लेते हैं, प्लैंक्स से हम अपना क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं। क्राफ्टिंग टेबल को रखते हैं सबसे पहले इधर की तरफ, वो क्राफ्टिंग टेबल में से बना लेते हैं अपनी सबसे पहले पिकेक्स, वुड की पिकेक्स बना लेते हैं। वुड की पिकेक्स से हमें फर्नेस उठाना है, इसके लिए पिकेक्स, और वैसे भी हमें हमारे पास पिकेक्स नहीं थी तो बनानी ही थी, तो पिकेक्स बना लेते हैं, दो ही बना लेते हैं। तो इसका सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल को उठा लेते हैं और चलते हैं अंदर की तरफ सबसे पहले। और अपने पास तो सामने की तरफ इतना सारा स्टोन है, तो सोच रहा हूँ स्टोन भी ले ही लूँ, क्योंकि स्टोन आगे मिले या ना मिले, वैसे तो मिल ही जाएगा क्योंकि हम केव्स में जाने वाले हैं। और अंदर 15 या 12 लेवल की स्टार्टिंग ही हम शायद से स्टोन बायोम से होती है। तो सबसे पहले इधर चल के अपना जो ज़रूरी सामान है वो उठा लेते हैं, ये फर्नेस है, उसके बाद उसके पास वाला जो स्टीम मशीन है उसको भी उठा लेते हैं, और बाद में चलते हैं सबसे पहले नीचे की तरफ। और तो कुछ लेने जैसा है नहीं, अब सबसे पहले इधर से ऊपर से नीचे जंपी मारते हैं, ये ही हमारा शॉर्टकट तरीका है जाने के लिए। तो सिट 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 सिट, वो तो अच्छा हुआ कि मैं इधर गिरा, ज़्यादा ऊपर से गिरा होता तो अपनी गेम इधर ही एंड हो जाती। तो सबसे पहले खाना खा लेते हैं, पेट पूजा सबसे पहले कर लेते हैं, वरना हमारा ये चैलेंज फेल हो जाएगा। तो सोच रहा हूँ इस केव के अंदर चला जाऊँ, लेकिन इस केव के अंदर जाने के लिए हमारे पास इतने इनफ टूल्स नहीं है। सबसे पहले टूल्स इकट्ठा करके आते हैं, कोल और वो सब इकट्ठा करके आते हैं। तो स्टार्ट करते इधर से सामने की तरफ चले जाते हैं। सबसे पहले तो हम आइस बायोम से बाहर निकलते हैं, क्योंकि अपने पास अभी कुछ है नहीं। देखो हमें सर्वाइव के लिए सबसे पहले तो जो बेसिक नीड्स है वो चाहिए होगी, वुड चाहिए होगा, स्टोन चाहिए होगा, आयरन चाहिए होगा, और थोड़ा बहुत खाना भी चाहिए होगा। अभी तो हमारे पास थोड़ा बहुत एप्पल्स और वाटर मिला है, उससे हम थोड़ा दिन चला लेंगे। और हमारे पास कुछ साथी भी चाहिए, अपने दोस्त भी चाहिए होंगे, उसके लिए वुल्फ और ऐसे हम कुछ पेट भी टेम कर लेंगे। और अपने हेलो भाई साहब, अरे 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 भाई, इग्नोर इग्नोर इग्नोर, हेलो पोलर बियर, हेलो 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 हेलो, अरे भाई, ओ सिट 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 सिट, नहीं 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 नहीं, अरे सॉरी 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 पोलर, सॉरी 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 सॉरी, गलती से लग गया ब्रदर, गलती से। अच्छा इधर से मैं चला ही जाता हूँ, रुक तू इधर रहे अपने इलाके में, मैं चला जाता हूँ इधर से। ओके चलो चलते इधर से सबसे पहले आगे की तरफ। इधर से आगे जाने में भी मुझे डर लग रहा है, क्योंकि आगे की तरफ ज़ॉम्बीज़ हो गए और पीछे की तरफ पोलर बियर है। तो सोच रहा हूँ ये पूरी की पूरी नाइट में इधर ऊपर की तरफ इस पत्थर लगा देता हूँ, इधर ऊपर की तरफ ही हम सर्वाइव करते हैं, क्योंकि अपने पास नहीं तो बेड है, नहीं कुछ भी नहीं है। इसके लिए डे वन डे टू की नाइट हमें इसी तरीके से सर्वाइव करनी पड़ेगी। तो अब मिड नाइट हो चुकी है, अपने आसपास कितने सारे मॉन्स्टर्स आ चुके हैं, नीचे की तरफ ज़ॉम्बीज के ज़ॉम्बीज है, पोलर बियर है, वुल्फ है, वो स्केलेटन हड्डी पहलवान है, सारे के सारे इकट्ठा होके हमारे मतलब मेरे जान के पीछे पड़ गए हैं। फाइनली डे हो चुका है, ये देखो इन सभी से मतलब क्या बोलूँ, किस तरीके से ये डे टू की नाइट हमने निकाली। तो सबसे पहले तो मेरा डे थ्री का ये एक ही गोल है कि
मैं सबसे पहले तो अपना बेड बना लूँ, बेड एक साथ में रख लूँ, क्योंकि अपने के अब नाइट सर्वाइव करने के लिए बेड चाहिए ही होगा, इसीलिए सबसे पहले बेड इकट्ठा कर लेते हैं। और थोड़ी बहुत मेरे पास बोन भी है, तो ऐसा करेंगे वुल्फ को भी टेम कर लेंगे। ओके, ये देखो सामने की तरफ वुल्फ का नाम लिया और मिल भी गया पैसा। चलो चलते पीछे की। अरे 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 भाई साहब, ये तो हाथ धो के मेरे पीछे ही पड़ गया है भाई साहब, इसका तो मैं क्या बोलूँ भाई। भाई भाई भागो 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 भागो, इधर से मैं धूम धमा के भाग ही जाता हूँ। भाई तेरे इलाके में था तो उधर तूने रहने नहीं दिया, अब मैं अपने इलाके में आ चुका हूँ, इधर भी मुझे रहने नहीं दे रहा है। सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि इधर से थोड़ा बहुत मैं ये देखो बोन उठा लेता हूँ, और नीचे की तरफ केव्स भी है, और सबसे पहले मैं अपना थोड़ा बहुत मतलब वुड भी उठा लेता हूँ अपने सर्वाइव के लिए। तो इधर से जितना भी हो सकता उतना वुड इकट्ठा कर लेता हूँ मैं। तो गाइस अपने पास वुड आ चुका है और बोन भी आ चुका है, लेकिन अब वुल्फ किधर चला गया वो नहीं पता चल रहा। तो चलो वुल्फ को ढूंढते हैं। ये वाली बायो में तो हमें आसानी से मिल जाता है ये वुल्फ, चारों तरफ घूमते रहते हैं वुल्फ। कोई नहीं भाई साहब, इधर तो मिल ही जाएंगे हम, क्या हुआ इधर। ओके गाइस, फाइनल इधर मुझे वुल्फ मिल चुका है। तो देखो, हेलो वुल्फ ब्रदर, हाउ आर यू। अरे भाई साहब ओके, मुझे लगा मेरी हड्डी कैसे बोन कैसे खत्म हो चुकी, लेकिन मुझे इधर दूसरा भी वुल्फ एक दिखा था, उसको भी टेम कर लेते थे। वो इधर आसपास ही था, मतलब इधर पता नहीं वुल्फ एक साथ ही रहते शायद, क्योंकि मैंने देखा है कि दो तीन एक साथ ही रहते, और हम दो तीन को एक साथ ही टेम कर लेंगे, अपनी पूरी की पूरी फौज लेके साथ में चलेंगे। ओ भाई साहब तू भी आ जा ब्रदर, तू भी खा ले, जितनी हड्डी खानी है उतनी हड्डी खा ले तू, तेरे को भी हड्डी खानी। ओके, ये तो हमारे पास टेम हो चुका है, और इधर आसपास और एक मिल जाए तो बढ़िया हो जाए। ओके, सीप मिल चुके। तो गाइस सीप पता है ना, हमारा सबसे पहले डे थ्री का गोल यही है कि हमें बेड। ओ भाई साहब अपनी, ओ ओ ओ भाई क्यूटी मिल चुका है हमें, अपना क्यूटी मिल चुका है, इसको अपना आर्मर पहना देंगे। ये ले भाई, तुझे ये आर्मर मैंने गिफ्ट किया। अरे 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 भाई साहब, इसके तो तेवर देखो, इसको पहले मैं ये ले भाई, तू ले ले ये वाला आर्मर, रख ले अपनी पूरी मैंने सेना इकट्ठी कर ली है, अपने दोस्त आ चुके हैं अब अपने, हम ये वर्ल्ड में अकेले नहीं है। बस आज के वाले वीडियो में इतना रखते हैं, अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।